या हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीटीएस में। दोस्तों पीटीएस लेके आई आपके लिए स्टॉक फॉर टुमारो, दैट मींस डेट रहेगी 26 नवंबर 2019। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप पीटीएस को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों पीटीएस इकलौता ऐसा चैनल है जो आपको ट्रेनिंग के लिए प्रॉफिट दिखा के अप्रोच नहीं करता। पीटीएस आपको ऑलवेज अपनी एनालिसिस से ट्रेनिंग लेने के लिए अप्रोच करता है। अपनी एनालिसिस से हम आपको मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं। और पीटीएस इकलौता रजिस्टर्ड कंपनी है जो कि एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइड करता है। दोस्तों उस स्टॉक जानने से पहले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा मार्केट का व्यू कैसा रहने वाला है। मार्केट मैं आपको देखिए बता दूँ, मार्केट ने ब्रेक आउट दिया है करीबन एक महीने से, एक नवंबर से, और आज के डेट में 25 नवंबर तक मार्केट निफ्टी बेसिकली रेंज में था, ठीक है, 12,040 ऊपर और नीचे 11,850। इस रेंज का, ऊपर वाली रेंज का इसने ब्रेकआउट दिया है 12,040 के ऊपर। तो देखो निफ्टी ओवरऑल आपको मोटा मोटी याद रखना है कि निफ्टी 12,040 के ऊपर जब तक टिका रहेगा आपको बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति रखनी है। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि 12,100 के आसपास थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, तो वहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक करने का सोचें। अच्छा देखिए जहाँ तक बात है बैंक निफ्टी की, दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम ये 52 वीक या तो कह लीजिए आप ऑल टाइम हाई के आसपास है, ठीक है। तो देखो हो सकता है कि देखो दो बार तो इसने ऑल टाइम हाई क्रॉस करने का प्रयास किया है, ये तीसरी टाइम है, तो हो सकता है कि इस टाइम ऑल टाइम हाई क्रॉस हो जाए, तो हमको यहाँ पे एक दफ़ा वेट करना है। तो मैं आपको बता दूँ 31,700 के पार निकलने के बाद बैंक निफ्टी 32,000 और 32,200-300 कब पहुंच जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। तो ये है बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। अच्छा देखो हम जहाँ तक बात करते हैं हम स्टॉक्स की, जो हमारे पिटारे में पहला स्टॉक है उसका नाम है बाटा का। दोस्तों बाटा आपको क्या करना है, बाय करके चलना है। देखिए बाटा ओवरबॉट हो चुका है और FMCG में ये पहला स्टॉक है जो ओवरबॉट हो चुका है। अच्छा देखिए बाटा क्या कर रहा है, एक लाइन पर बार बार रेसिस्टेंट ले रहा था, ठीक है ना, करीबन 1, 2, 3 और चौथी बार इसने ब्रेकआउट दे दिया है। कितना लेवल है दोस्तों, ये लेवल है हमारा 1635 का, ठीक है, 1635 का। जब तक 1635 के ऊपर टिका है बाटा आप बाय करके चलिएगा। आपका स्टॉप लॉस कितना होगा, 1635 के नीचे अगर कोई भी कैंडल बंद हो जाएगी आप निकल जाइएगा सिंपली। जो बाटा में आपका टारगेट होगा कल के लिए वो होगा आपका 1655 एंड 1665 का आपका टारगेट होगा बाटा में। जो दूसरा पिक है उसका नाम है कोलपाल, दैट मींस कोलगेट। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही होगी तो डेफिनेटली लाइक करते रहिएगा वीडियो को। देखिए कोलगेट क्या कर रहा है, एक लाइन पे बार बार ये रेसिस्टेंट लेता है, करीबन इस लाइन पे कितनी बार रेसिस्टेंट लिया इसने मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा आप काउंट करिएगा, करीबन 1 बार 2 बार 3 4 5 दोस्तों 5 बार रेसिस्टेंट ले चुका है। अब देखो लाइन के ऊपर हमें लेवल प्ले करना है। यदि मान लीजिए आप कोलपाल में 1522 के ऊपर, क्या 1522 के ऊपर दो कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल क्लोज होगी तो आप बाय कर लीजिएगा कोलपाल को 1536 के टारगेट के लिए। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं यदि ये लाइन, यदि ये लेवल क्रॉस नहीं होता है, इसके नीचे अगर कमजोरी दिखाता है कोलपाल, 2 से 3 कंसेक्यूटिव रेड कैंडल बनाता है, तो आप कोलपाल को शॉर्ट कर सकते हैं 1510 और 1500 के टारगेट के लिए। दोस्तों देखिए मैं आपको एक कोलपाल में एक ज़बरदस्त चीज़ दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों वीडियो को डेफिनेटली लाइक करते रहिएगा अगर आपको पसंद आ रही होगी तो। देखिए कोलपाल क्या कर रहा है डेली के टाइम फ्रेम पे, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और ये चीज़ देखो आपको कहीं और आपको ये इस प्रकार की चीज़ें नहीं मिलेंगी। अच्छा देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये देखिए कोलपाल क्या कर रहा है, एक हरी कैंडल दो रेड कैंडल इसने क्या कर दिया है, एक ग्रीन कैंडल बना दिया है। अब क्या करेगा, अब आप मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में क्या करेगा, ये क्या इसकी प्रोबेबिलिटी है, ये दो कंसेक्यूटिव कैंडल नीचे बनाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी यही है, तो हम ज़्यादातर इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी तलाशेंगे। तो दैट्स इट, यही है हमारे कल के लिए बहुत बेहतरीन स्टॉक। मैंने आपको सटीक एनालिसिस दी है कि आपको क्या करना है बेसिकली, ठीक है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी
और देखिए, अगर हम बात करें अपने पास्ट परफॉर्मेंस की, हमने एसबीआई सेल करने को बोला था दोस्तों, एसबीआई में आपको बता दूं, एसबीआई ने सेल करने का हमें मौका ही नहीं दिया। मैंने आपको बताया था कि 329 के नीचे आपको दो कंसेक्यूटिव रेड कैंडल दिखे तो आप सेल करना। तो मेरे को एक बात बताइए कि क्या आपको यहाँ पे, मैंने एक लाइन ड्रॉ की थी, यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की थी, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो क्या इसके नीचे आपको एक कोई भी ग्रीन रेड कैंडल दिखी? नहीं दिखी, तो आप यहाँ पे क्यों सेल करेंगे? अब आप मेरी थोड़ा बात ध्यान से सुनिएगा। कल आपको एसबीआई शॉर्ट करना है, कल आप शॉर्ट कर सकते हैं। कितने के स्टॉप लॉस के साथ? 340 के स्टॉप लॉस के, 340 के स्टॉप लॉस के साथ। कल एसबीआई ऊपर नहीं जाने वाला, कल एसबीआई में रिट्रेसमेंट आएगा, ठीक है, 5 पॉइंट का। ये एनालिसिस है 100% बोल्ड एनालिसिस, ठीक है दोस्तों। तो कल आप एसबीआई को शॉर्ट करिएगा। और आज देखो कहीं मौका ही नहीं था, क्योंकि और आप थोड़ा खुद सोचिए, मैंने एनालिसिस दी थी शॉर्ट सेल की, मार्केट ऊपर गया तो ऑब्वियसली मेरी एनालिसिस नहीं चलेगी, ठीक है। और इसने क्लोजिंग नहीं दिया तो मैंने आपको क्या बताया था, 35 के आसपास आप शॉर्ट करिएगा, दैट्स इट। अच्छा देखो, जहाँ तक बात है इंडसइंड बैंक की, इंडसइंड बैंक में हम अगर बात करें 15 मिनट पे, मैंने बोला आपको इस लाइन के आसपास जाए, 1500 के आसपास जाए, आपको शॉर्ट सेल करना है, ठीक है। उछाल मिला आपको, उछाल अगर यहाँ मिला आपको तो यहाँ आपका चलो लॉस हो गया हम मानते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कल यदि 1510 के आसपास जाए, आपको इंडसइंड बैंक शॉर्ट सेल कर सकते हैं आप, दैट्स इट। देखिए मार्केट, जरूरी नहीं है कि मैंने वीडियो बनाई है तो कल इसको स्टॉक को रिएक्शन देना ही देना है, ठीक है। मार्केट अगर मान लीजिए मेरे अपोजिट बिहेव कर गया तो वो तो डेफिनेट, वो तो 100% मेरा एनालिसिस काम नहीं करने वाला। तो आपको ये चीज़ समझना है दोस्तों, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है, और एक्सक्यूज मी फॉर लाइक दिस काइंड ऑफ एनालिसिस। आप समझ सकते हैं कि मार्केट हमारे साथ नहीं था, अदरवाइज आप जानते हैं कि हम किस प्रकार से एनालिसिस देते हैं दोस्तों। यदि आपको भी इस प्रकार से टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना है, अगर आपको, देखो हमने एक्साइट दिया था, देखो मैं आपको बता दूं, आप कमेंट में लिख रहे हैं सर आपकी हेवल्स की कॉल नहीं चली, सर आपकी HDFC लिमिटेड की कॉल नहीं चली। दोस्तों आप मेरी बात सुनिए, मैंने कौन सा एनालिसिस के लिए आपको लिखने को बोला था? मैंने आपको हमारी पोजिशनल एंड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म एनालिसिस की बात की थी, कि आप मेरे को वो बताइए कि वो कौन सी नहीं चली है। देखो इंट्राडे में 2-4 रुपये का रोना धोना होता है, आपको यहाँ पे कोई भी 100% राइट नहीं होगा, ठीक है। सब प्रयास करते हैं। मेरे को आप ये बताओ, जो मैंने लॉन्ग टर्म एनालिसिस की है, जो मैंने पोजिशनल के लिए जो कोई आपको स्टॉक बताया, वो कौन सा नहीं चला? वो एक भी ऐसा स्टॉक नहीं है जो नहीं चला होगा, आई एम डैम श्योर। आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा मेरे को। तो आप कुछ और लिख रहे हैं। और दोस्तों हमारा कल ट्रेनिंग सेशन था लाजपत नगर में, बहुत बढ़िया रहा। और अब हमारा लास्ट इस महीने का 30 नवंबर को है, तो जिसको भी अपनी सीट बुक करवानी है करवा सकते हैं। एनीवे दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।